अनअकैडमी लाया है अनलॉक 20। अनलॉक कीजिए 20% ऑफ अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पे। ये जो है एक्सटेंड कर दिया गया है सैटरडे फरवरी 19 तक। अभी यूज करिए बॉटनी 10 कोड और सब्सक्रिप्शन लीजिए किसी भी कोर्स का और एंजॉय कीजिए 20% का डिस्काउंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर ऑफ बॉटनी। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। हम आपको ब्रायोफाइट्स पे लेक्चर प्रोवाइड करा रहे थे और उस रो में रिक्सिया जो है वो हो गया था। रिक्सिया के बाद लिवरवर्ट से ही मार्केंशिया का लाइफ साइकिल मैंने आपको बता दिया था। अब नंबर है आपका थर्ड जीनस पे, जो कि है आपका प्लेजियोकैज्मा। ओके, तो प्लेजियोकैज्मा के बारे में बात कर लेते हैं। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं उसके बाद एक पैटर्न बन जाता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, जैसे एलगी था, मान लीजिए आप रोडोफाइसी पढ़ रहे हैं, तो जितने भी आप उनके मेंबर पढ़ेंगे, एक मेंबर में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद लगभग जो दूसरे मेंबर होते हैं उनमें वही फीचर होता है। ये सभी के लिए ट्रू है। ठीक, रोडोफाइसी हुआ, क्लोरोफाइसी में सारे फीचर्स आपको एक समान लगेंगे। तो ऐसे ऐसे मतलब कहने को मेंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक जो बड़ा ग्रुप होता है, जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी, तो ये समझ लीजिए चार हैं। इनके अंदर के मेंबर आपको सेम मिलेंगे। वैसे ब्रायोफाइट्स में अगर बात करें लिवरवर्ट्स में, तो लिवरवर्ट्स में आप देखेंगे मेनली जो उनके फीचर्स होते हैं वो सेम होते हैं। किसी में कुछ कैरेक्टर हैं, किसी में कुछ कैरेक्टर नहीं है, किसी में कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा फीचर, बाकी पैटर्न सारा डेवलपमेंट का सेम ही होता है। तो आपने अब रिक्सिया मार्केंशिया अगर पढ़ लिया होगा तो प्लेजियोकैज्मा और इसके बाद जो मेंबर्स आने वाले हैं आपको ये बहुत आसान लगेंगे। अगर हम बात करें जो प्लेजियोकैज्मा है, ये जनरली जीरी कंडीशंस में ग्रो करता है। गैमेटोफाइट जो होता है इसका, ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और प्रोस्टेट होता है ये। ठीक, मतलब डॉर्सोवेंट्रल का मतलब मैंने आपको बोला था डॉर्सल वेंट्रल सर्फेस में डिफ्रेंशिएटेड रहता है, और डाइकोटोम्यूजली ब्रांचिंग भी होती है, मतलब एक एक्सिस कुछ दूर तक जाता है, फिर दो में डिवाइड, फिर वो दोनों का अपना अपना फिर आगे चल के दो में डिवाइड हो जाते हैं, इसको डाइकोटोम्यूजली ब्रांचिंग बोलते हैं। डॉर्सल सर्फेस की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको जो मिडरिब था, जो सैलो ग्रूव आपने रिक्सिया मार्केंशिया में देखा था, वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। और अपेक्स पे भी इसका एक एपिकल नॉच होता है। ठीक, नॉच मतलब इसे कटा सा हिस्सा। वेंट्रल सरफेस की अगर हम बात करें, अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो इसके वेंट्रल सरफेस पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक, स्केल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं, वन सेल स्ट्रक्चर होते हैं, और वो एक सिंगल रो में दोनों मिडरिब के साइड अगल बगल रहते हैं, और ये केवल जो होते हैं अपेंडिकुलेट टाइप के ही होते हैं। लेगुलेट टाइप वाला इसमें नहीं पाया जाता, तो केवल एक टाइप का स्केल। और राइजॉइड्स की बात कर लें तो यूनिसेलुलर अनब्रांच तो होता ही आया है, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबुलेटेड इसमें दोनों होता है प्लेजियोकैज्मा में। ये फोटो लिया है मैंने, एक पेपर है ब्रायोफाइट डाइवर्सिटी इन टेराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इंडिया, ये ऑथर्स है विनय साहू और एक अस्थाना सर, 2015 में ये पेपर पब्लिश हुआ था ट्रॉपिकल प्लांट रिसर्च में, तो वहाँ से ये फोटो लिया गया है। थैलस की हम बात करें तो थैलस को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अगर आप इसका टीएस काटेंगे तो देखेंगे कि थैलस में फोटोसिंथेटिक रीजन होता है ऊपर का हिस्सा, और लोअर का हिस्सा स्टोरेज रीजन होता है, जहाँ पे माइक्रोराइजल एसोसिएशन भी जनरली पाया जाता है। अब जो ऊपर का एपिडर्मिस लेयर होता है वो डिलिमिट करता है फोटोसिंथेटिक रीजन को, और वहाँ पे सिंपल एयर पोर्स होते हैं जैसे कि रिक्सिया में होता था, ना कि मार्केंशिया जैसा यहाँ पे हेक्सागोनल टाइप का बैरल शेप्ड एयर पोर, यहाँ पे सिंपल होता है। लोअर एपिडर्मिस जो होता है वो नीचे जो स्टोरेज रीजन है उसको डिलिमिट करता है, जहाँ पे आपको स्केल्स और राइजोइड्स मिलेंगे। रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं कि कैसे, ये तो जनरल फीचर हो गया। अब अगर ये मेंबर आज तक अर्थ पे है या ग्रो करता रहा है तो दैट मीन्स रिप्रोडक्शन तो करता ही होगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एडवेंटिशियस ब्रांचेस बनते हैं जिनको हम इनोवेशंस भी बोला जाता है, तो उससे होता है केवल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो आपको यहाँ पे जो प्लेजियोकैज्मा है ये मोनोशियस और डायशियस दोनों होता है। मोनोशियस का मतलब एक ही थैलस पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बने, और डायशियस का मतलब मेल प्लांट अलग हो, फीमेल प्लांट अलग हो, मेल प्लांट पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल प्लांट पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता हो। इसके बाद हम देख लेते हैं एंथ्रीडिया, जो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया है, ये वाला जो सेंटेंस है ये एक्चुअली मार्केंशिया वाला रह गया है, तो इसको आप कंसिडर मत करिएगा। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे एम लिखा है ना, एम पालमाटा और एम पॉलीमार्फा, तो ये मार्केंशिया वाले का रह गया है। और ये जो स्पीशीज होते हैं ये मोनोशियस और डायशियस तक सही है प्लेजियोकैज्मा, पर ये वाला पोर्शन इसका नहीं है। सीधे आ जाते हैं हम इस वाले पार्ट पे, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया पे, इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। एंथ्रीडिया जो है यहाँ पे, ठीक है,
वो क्या होता है, डॉर्सल सरफेस पे ग्रो करता है और वो रिसेप्टिकल्स पे बनता है। ये रिसेप्टिकल कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं और हॉर्स शू शेप्ड के होते हैं, जिन्हें एंथ्रीडियो फोर बोला जाता है। तो छोटा सा कप शेप स्ट्रक्चर होता है एंथ्रीडियम जो होता है। अगर बात करें जो इसके अंदर रिसेप्टिकल के अंदर बनता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इसका एक छोटा सा स्टॉक होता है, और स्टॉक के साथ साथ एंथ्रीडियम जो होता है ये बना हुआ होता है, उसमें एंड्रोसाइट्स होते हैं, और यही एंड्रोसाइट जो होते हैं वो आगे चल के एंथ्रोजॉइट्स बनाते हैं, और इसका एक वन सेल थिक जैकेट भी होता है एंथ्रीडियम के ऊपर। आज सिगोनिया की बात कर लें तो ये भी डॉर्सल सरफेस में बनता है और ये भी रिसेप्टिकल में बनता है। अब ये सेसाइल या स्टाग हो सकते हैं, पर ये डिस्क शेप्ड होते हैं, जैसा कि हार्ट शू शेप्ड वाला था एंथ्रीडिया, वैसा नहीं, ये डिस्क शेप्ड होता है जिसमें दो चार लोब पाए जाते हैं, ठीक। और एक प्रत्येक जो इसका लोब होता है उस पर एक सिंगल आर्चिगोनिया होता है, अब जिसे हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड आर्चिगोनियो फोर या कार्पोसिफेलम बोला जाता है। जैसे इसको एंथ्रीडियो फोर बोला जाता है इस रिसेप्टिकल को, वैसे इस रिसेप्टिकल को आर्चिगोनियो फोर या कार्पोसिफेलम बोला जाता है। अब ये अगर आर्चिगोनिया की बात कर लें तो ये डिफ्रेंशिएटेड रहता है, बेसल जो सॉलन पोर्शन रहता है उसको वेंटर बोलते हैं। ये इसका जैकेट होता है एक सेल थिकनेस का, और वेंटर के अंदर की बात करें तो वहाँ पे एक एग होता है, एक वेंटर कैनाल सेल होता है, और अपर जो पोर्शन होता है बेसल सॉलन को वेंटर और अपर पोर्शन को नेक बोलते हैं। नेक जो होता है ये 6 वर्टिकल रोज जो होते हैं सेल्स के उनसे बने हुए होते हैं, और उसमें 8 या 9 नेक कैनाल सेल्स होते हैं, जिन और टिप पे आप देखेंगे नेक का, तो वो 4 कवर सेल से ढका हुआ रहता है। फर्टिलाइजेशन, स्पोरोफाइट और स्पोर्स की बात कर लें तो आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा, जिसे हम मदर सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन बोलते हैं। इसमें क्या होगा, रेगुलर डिवीजन होगा। इस टाइम पे जो वेंटर है, यहाँ का वेंटर का वॉल मैंने बताया ना, इसमें वन सेल थिक जैकेट होता है, ये भी डिवाइड करता है और कैलिप्ट्रा बनाता है, जो कि जो डेवलपर स्पोरोफाइट है उसको कवर करेगा, ठीक। अब आते हैं इस पे, जायगोट जो होता है डिवीजन कर रहा होता है, फिर वो मल्टी लेयर मतलब मेनी सेल स्ट्रक्चर बनाता है, और फिर ये मेनी सेल स्ट्रक्चर जो होता है इस आपस में क्या होते हैं, रीअरेंज होके और डिवीजन करके क्या बनाते हैं, आउटर एम्पीथीशियम और इनर इंडोथीशियम। एम्पीथीशियम जो होता है ये एक सिंगल लेयर जैकेट बनाता है, ठीक। और इंडोथीशियम क्या बनाता है, अंदर वाला ये स्पोर मदर सेल और इलेटर मदर सेल बनाते हैं। फिर मियोसिस होता है स्पोर मदर सेल में, और फिर उससे स्पोर बन जाता है, और इलेटर मदर सेल क्या बनाएंगे आपके, ये इसमें मियोसिस नहीं होता है, ये जो होता है डायरेक्ट डिप्लॉयड इलेटर्स ही बनाते हैं। और अगर पूरा स्पोरोफाइट हम देखें इस स्टेज पे, तो उसमें कैप्सूल होगा, सीटा होगा उसका, और उस पर फूट भी होगा जो कि बल्बस होता है, ठीक। कैप्सूल फिर लास्ट में क्या होगा, स्प्लिट करेगा, और जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है लेटर्स का, उसकी वजह से स्पोर्स का डिस्पर्सल हो जाएगा, स्पोर डेवलप कर जाएंगे न्यू प्लांट में। तो ये था पूरा का पूरा आपका प्लेजियोकैज़मा, ये था विजिटेटिव फीचर इनके, ये और क्या क्या है, कौन सा स्केल कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से हैं, कौन सा राइजॉइड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया जैसे इसमें हार्ट शू शेप्ड है, ये क्या क्या है इनके फीचर्स, वो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। मेन चीज़ें कंपेरेटिव चीज़ें आपको आनी चाहिए, कैसे रिक्शिया और मार्केशिया एक दूसरे से डिफरेंट है, और प्लेजियोकैज़मा कैसे डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों क्या है उसमें आते हैं हिपेटोकॉप्सिडा में, मार्चिएंटियल्स ऑर्डर में, ये तीनों आते हैं, रिक्शिया मार्केशिया और प्लेजियोकैज़मा। इसके बाद मैं आपको पेलिया पुरेला और फ्लोरानिया बताऊंगा, जो कि उनका अलग ऑर्डर है, जिंगर जुंगर मानियल से बिलोंग करते हैं, तो उनमें कॉमन फीचर ज़्यादा होंगे, ठीक। ऐसे रिक्शिया मार्केशिया प्लेजियोकैज़मा में आप इनके लाइफ साइकिल में चीज़ों को कंपेयर कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा पेलिया पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस यूनिवर्सिटी एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो ये बुक है आपके लिए, जहाँ पे 13 ईयर्स के क्वेश्चन जो है पेपर सॉल्व किए गए हैं पूरा विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये बुक आप बाय कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है इसका लिंक। और अगर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सभी जो इंडिया के मेजर एग्जाम्स हुए हैं पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, करीब 10,000 से ज़्यादा MCQ सभी टॉपिक्स पे, एल्गी फंजाई ब्रायो ट्रेडो जिम्नो एनजीओ साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारे टॉपिक्स हैं। आप जो है इसको बाय कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है।